गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का चैप्टर 2 लिंग। आइए जानते हैं लिंग के बारे में। लिंग, जेंडर, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, यानी संज्ञा यानी हर किसी के नाम, चाहे वो किसी स्थान का हो, किसी वस्तु का हो, किसी इंसान का हो, जो भी नाम होता है उस नाम से किसी भी, मान लो किसी नाम से पुरुष जाति का बोध होता है मेल, और किसी जाति से स्त्री जाति यानी फीमेल, किसी से पुरुष और किसी से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम, लिंग कहते हैं। जैसे देखिए लड़का, तो लड़का हमें कौन सी जाति का बोध करवाएगा, पुरुष जाति का, पुरुष पुरुष जाति का। लड़की हमें कौन सी जाति का बोध करवाती है, स्त्री जाति, और स्त्री हमें कौन सी जाति का बोध करवाएगी, स्त्री जाति का। गाय, गाय किसका बोध करवाएगी, स्त्री जाति का बैल, पुरुष जाति का रीता, रमेश। किला, किला हमें कौन सी जाति का बोध करवाता है, पुरुष जाति का। जैसे हवेली, हवेली हमें स्त्री जाति का बोध करवाती है। ताला पुरुष जाति, चाबी स्त्री जाति, चाकू पुरुष जाति, छुरी स्त्री जाति आदि। ऐसे में हमें पता चला ना कि कौन सी स्त्री, कौन सा शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करवाता है और कौन सा संज्ञा शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करवाता है। तो जो शब्द हमें जिस जाति का बोध करवाता है उसे, अगर वो पुरुष जाति का बोध करवाता है तो हम उसे पुल्लिंग कहते हैं, अगर वो हमें स्त्री जाति का बोध करवाता है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आगे देखिए, हिंदी भाषा में लिंग निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला है पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे जिन शब्दों से, यानी कि जिन जो शब्द है संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से हमें ये पता चले कि ये पुरुष जाति का है तो वो क्या कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। जैसे देखिए घोड़ा पुरुष, शेर मोर, लड़का आदि। लगभग जैसे देखिए आदमियों के नाम पुरुष जाति में, देश के नाम पुरुष जाति में आते हैं, और जैसे देश के नाम पुरुष जाति में आती है लेकिन जर्मनी और इटली ये दो को छोड़कर बाकी सारे पुल्लिंग में आएंगे। ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, क्योंकि पुल्लिंग जो होते हैं ना, पुल्लिंग शब्द एक छोटी सी बात है कि पुल्लिंग शब्द अकारांत, अकारांत से ख़त्म होते हैं, यानी कि जैसे घोड़ा लास्ट में क्या है, आ, पुरुष क्या है लास्ट में, अ, आखिरी में शेर, शेर में क्या है, ए। जैसे देखिए मोर, मोर में भी लास्ट में आता है अ, लड़का, लड़का क्या है, आ। यानी जो शब्द ए और आ से ख़त्म होंगे वो मोस्टली किस में आएंगे, पुरुष जाति में आएंगे। आगे देखिए स्त्री जाति, स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे घोड़ी स्त्री, शेरनी मोरनी लड़की आदि। तो स्त्री जाति क्या होते हैं, स्त्री जाति हमेशा ई इकारांत शब्द होते हैं। ये देखिए जैसे घोड़ी, तो घोड़ी ई किससे अंत हो रहा है इस शब्द का, ई से। आगे देखिए स्त्री, स्त्री त्री किससे अंत हो रहा है, ई से। शेरनी किससे अंत, ई से। जिस शब्द का अंत ई से होगा वो तो स्त्रीलिंग, जिस शब्द का अंत अ या आ से होगा तो वो पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग किससे, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग, शब्द मैंने गलत बोला, पुल्लिंग
जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाता है, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। और जैसे देखिए, नदी, दिशा, पर्वत चोटियाँ, झील, भाषाएँ, बोलियाँ, इन सभी के नाम, ऋतु हो गई, इन इन सभी के नाम किससे आएंगे, किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे देखो, गंगा, जमुना, जैसे पूर्व पश्चिम, ये सभी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। समझ में आया कि लिंग क्या होता है और लिंग के भेद कौन कौन से हैं और ये को पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है। संज्ञा की जिस शब्द से हमें पुरुष जाति, पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वो तो लिंग है, वो लिंग कहलाता है। और जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होगा वो पुल्लिंग, और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होगा वो स्त्रीलिंग। नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। देखिए, पुत्र, पुत्री, धोबी, धोबिन, युवक, युवती, घोड़ा, घोड़ी, नौकर, नौकरानी, पड़ोसी, पड़ोसिन, अध्यापक, अध्यापिका, सेठ, सेठानी, पति, पत्नी, कवि, कवियत्री, हाथी, हथिनी, माली, मालिन, स्वामी, स्वामिनी, पिता, माता, विद्वान, विदुषी, लेखक, लेखिका, मोर, मोरनी, पंडित, पंडिताइन, सुनार, सुनारिन, राजा, रानी, सेवक, सेविका, बकरा, बकरी, भाई, बहन, बैल, बैल, गाय, छात्र, छात्रा, शेर, शेरनी। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको समझ में आया कि क्या लिंग क्या होते हैं, कि शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है वो तो लिंग है, और शब्द के जिस रूप से पुरुष होने का बोध होता है वो पुल्लिंग है। और देशों के नाम सारे इसमें आते हैं, सिर्फ इटली और जर्मनी को छोड़कर। और स्त्रीलिंग क्या होता है, जिस शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री होने का बोध होता है, यानी कि पुरुष होने का बोध हो तो पुल्लिंग और स्त्री होने का बोध हो तो स्त्रीलिंग। लिंग के दो ही भेद बताए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपको समझ में आ गया होगा।